हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो अभी आई थिंक टाइम हो रहा है 10:30 बज रहा है और हम लोग सोकर उठ चुके हैं। सोकर क्या, सोकर तो बहुत जल्दी मॉर्निंग में उठ गए थे क्योंकि आज रात में इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इनको ज़ुकाम हो रखा है। तो पूरी रात आज आप सोचिए कि हमने बिना एसी और जो अपना फ़ैन है वो बिल्कुल 1 नंबर पे, मतलब 1 नंबर पे चलाकर सोए थे। तो सुबह रात भर पूरा सही से नींद भी नहीं आई है और सुबह बहुत जल्दी जग गए थे, और जगने के बाद इतना ज़्यादा आज काम हो गया था क्योंकि कल रात में पंखा नहीं चलाया और एसी भी नहीं चलाई, इसलिए इतना इनको पसीना निकला कि सारा का सारा बेडशीट और चादर सारा सब गंदा हो चुका था। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद हमने क्या किया कि सारा जितना भी गंदा मतलब बेडशीट वगैरह था वो सब वॉशिंग मशीन में डाला धुलने के लिए, और नाश्ते में चाय बन गई थी और खस्ता, और ये खस्ता आलू होता है ना वो, ये ले आए थे और जलेबी लाए थे। सब नाश्ता वास्ता करके सो रहे हैं। काम भी था इसके पहले, सबने मिलके काम भी किया है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं बना लूँगी दही बड़ा और साथ में खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि नाश्ता जो है वो थोड़ा सा सुबह हैवी हो चुका है। तो दही बड़ा के लिए मैंने जो वो उड़द की दाल है वो मेरे यहाँ से पीस के जो आई थी, जो मैंने आपको आप लोगों को फरा बनाते हुए दिखाया था, उसको मैंने भिगो के रख दिया है जाके। तो आज दही बड़ा और सोच रहे हैं थोड़ा सा लाइट खिचड़ी बना लेंगे, तो वही हो जाएगा दोपहर के खाने में। तो अभी जब हम दही बड़ा बनाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हमने दही बड़े कैसे बनाए हैं। गांव वगैरह में जो दही बड़ा बनता है वो गोल गोल सा बनता है, बट जो हम बनाते हैं वो बस खाली पकौड़ी टाइप से बना लेते हैं। ईजी भी होता है और वो फूल भी जाता है। इनको भी रात में सही से नींद नहीं आ पाई है, इसलिए क्योंकि फीवर था ना तो अच्छे से नींद नहीं आई है। तो चलिए दिखाते हैं हम दही बड़ा कैसे बनाते हैं। और हमें पता है जैसे हम किचन में जाएंगे बस ये तुरंत उठ जाएंगे, इनकी आदत है कि हम किचन में जाते बाद में और ये तुरंत किचन में पहले चले जाते हैं। मना क्या करते हैं काम करने से इस टाइम पे। तो देखते हैं, अगर उठ गए तो ये भी मेरी हेल्प कर देंगे, और नहीं उठे तब भी मैं बना लूँगी अकेले ही। ये है दही जो मैंने मॉर्निंग में, मतलब जो दूध है उसको गर्म करके उसमें थोड़ा सा दही डालकर रख दिया था, ये जम गया है और इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है, आप देख सकते हैं। और ये है धोई, इसको फेंट लिया और इसमें थोड़ा सा हमने नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर मिला दिया है। और दूसरी साइड में हमने रख दी है कढ़ाई। देखिए तेल गर्म हो चुका है और अब हम चलते हैं बनाएंगे दही बड़े। हम दही बड़े इस तरीके से बनाते हैं। कितने डाल दूंगी कढ़ाई में? नहीं पड़ जाते हैं इसमें, कोई प्रॉब्लम बात थोड़ी ना है। इसने डाल जो डालती हूँ नीचे बैठ जाता, फिर ऊपर निकल आता है फिर से वो। हाँ बस एक में जुड़े ना पाए, बस बन जाते हैं। और ये देखिए हम इनको अब निकाल के इसमें डाल देंगे, पानी निचोड़ देंगे इसका। शाम का 5 बज रहा है और अभी हम लोग पीने जा रहे हैं चाय, और इसके बाद देखते हैं कि इनका फीवर कैसा है। अभी रुक जाओ बस। कौन सी दवाई खाने जा रहे हो? ये तो बिकासूल है। बिकासूल? खाली बिकासूल खाओगे? दोनों खा चुके हैं। और ये देखिए इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज आंखें एकदम लाल हो चुकी हैं। आज वाले लेटेंगे सोफे में। हाँ वहीं लेट जाना, यहाँ पर लेटते तो हमको भी तो परेशानी हो जाती है ना। तुम्हें गर्मी लगती है? हाँ हमें गर्मी लगती है, ठंडक बहुत लग रही है। फिर लगने लगी? नहीं लगती है, पंखे में तो लगता है कि मतलब पंखा ना कोई मतलब फील होता है, पंखा कोई बंद कर दे। डोलो खाया इसके साथ में?
तुम तो डॉक्टर के पास से लेके आए थे दवाई? पहले खा चुके। बोल रहे थे डॉक्टर के पास से लेके आए हैं दवाई? आज संडे है ना। हाँ तो अच्छा नहीं डॉक्टर। अच्छा अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और इनकी तबीयत जो है वो अभी भी ठीक नहीं हुई है। फीवर अभी भी इनको आ गया है, फिर से आ गया है। दवाई खाई थी तो थोड़ा उतर गया था और अभी जैसे शाम हुई है तो फिर से आ गया है। ये देखिए मुँह में लगाए हुए बैठे हुए हैं। निकालो, निकाल क्यों रहे हो? कितना है? 101 से ऊपर है। 101 के ऊपर है? अरे यार, तो एक काम करो, तुम रेस्ट करो, सो जाओ, फिर से सो जाओ, क्योंकि जितना ही रेस्ट करेंगे और आई थिंक बिल्कुल पंखा वंखा बंद करके जब तक नहीं बैठेंगे तब तक ये फीवर जो है उतरेगा नहीं। आज रात उतर जाएगा ये। सोच रहे हैं काढ़ा बना दें इनके लिए। काढ़ा क्या, काढ़ा बना दे, लेकिन ये काढ़े से इतना ज्यादा डरते हैं। देखो काढ़े के नाम से मुंह देखो इनका। काढ़ा बहुत बेकार लगता है। बेकार लगता है, लेकिन दवा भी तो बेकार लगती है ना। नहीं दवा तो खा सकते, एक बार में खाया पानी पी लिया। वो काढ़ा जब बताते थे ना कि सिप सिप करके पियो, समझ अभी पियोगे कैसे? नहीं अभी हम बबली को बता रहे हैं ना। जैसे हम जो बहन है वो सुबह से कम 10 बार पूछ चुकी है कि जीजा जी काढ़ा बना दे, जीजा जी काढ़ा बना दे, और ये हर बार उसको टाल दे रहे हैं कि अभी नहीं अभी नहीं। तो आपने देखा है कि इनकी तबीयत आज ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम ज़्यादा बातें भी नहीं कर सकते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग दिखा भी नहीं सकते हैं। तो इसी के साथ अगर ये लोग कहें तो एक डांस कर सकते हैं 2 मिनट का, शॉर्ट चला करके दिखा सकते हैं। अगर आप लोग कहें तो कमेंट कर दीजिएगा तो शॉर्ट्स में बढ़िया शॉर्ट्स चला कर दिखा दे। हाँ प्लीज सॉन्ग भी बता दीजिएगा। हाँ सॉन्ग बता दीजिए और बता दीजिए डांस भी बता दीजिए, जिससे बस ये है कि अगर आप इनका डांस देखेंगे तो बस ये सोच लिए भाग जाएंगे। हम बहुत बेकार डांस करते हैं, कोई देख ले तो लगेगा जैसे महाराणा प्रताप तलवारें चला रहे हैं। सही बात, बहुत बेकार करते हैं। जब मैंने पहली बार इनका डांस देखा तो हमने सोचा कि किस तरीके से इनको रोका जाए डांस करने से, और मैंने तुरंत इनसे कहा, इशारा किया, एक शादी में गए थे, इशारा किया भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और ये देखिए बहन इनके लिए काढ़ा भी ले आई है और इनको ज़बरदस्ती पिला रही, बोल रही 4-5 बार आज काढ़ा पिलाएंगे जिससे कि इनका फीवर जल्दी सही हो जाए, जुकाम भी जल्दी सही हो जाए। तो चलिए तब तक के लिए काढ़ा पीते हैं और बाय बाय, टेक केयर।